तो दोस्तों देख सकते हैं चिकन कितने अच्छे से भून गया है, देखिए पूरा लाल हो गया है। दोस्तों इधर देख सकते हैं ये खाने भी स्टार्ट कर लिए हैं। अब तो यही बता सकते हैं कि चिकन कैसा बना है, हम तो अभी टेस्ट नहीं किए हैं। हेलो दोस्तों, दिलीप सोनी ब्लॉग्स में आप लोग का स्वागत है। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग, आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों अभी आप सुबह सुबह देख सकते हैं कि आज हम एकदम सुबह में ही आ गए हैं थोड़ा इधर धुरवा डैम तरफ, और देख रहे हैं धुरवा डैम का नजारा। अभी थोड़ा थोड़ा पानी भी पड़ रहा है यहाँ, और यहाँ का मौसम मस्त है एकदम। देख रहे हैं ना, डैम में भी पानी लगभग ऊपर आ ही रहा है, अभी कुछ बचा हुआ है। यहाँ देखिए एकदम मस्त है, अभी कोई लोग भी नहीं है, है ना। तो अभी पानी थोड़ा पड़ने लगा तो हम सोचे कि थोड़ा इधर टहल ले, घूम ले, थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक के लिए आए थे, तो हम सोचे कि थोड़ा आप लोग को भी दिखा दे। लेकिन यहाँ पानी पड़ने लगा तो हम भी सोच रहे हैं आपकी यहाँ से निकला जाए, है ना। तो चलिए दोस्तों निकलते हैं, काहे कि मोबाइल भी मेरा भींग जाएगा। तो दोस्तों हम स्कूटी से ही आए थे धुरवा डैम, और धुरवा डैम के बगल में खड़ा करके हम थोड़ा दौड़ लगा रहे थे, है ना। आप चले घर, देख रहे हैं ना पानी भी पड़ने लगा है। तो दोस्तों अभी यहाँ आप लोग देख सकते हैं इतना ठंडा लग रहा है, पूरा बाल खड़ा हो जा रहा है मेरा। लगता है रांची में ठंडा थोड़ा थोड़ा चालू हो रहा है, हमको लगता है 4-5% यहाँ ठंडा बढ़ गया है। और अभी हम तो सुबह सुबह थोड़ा सा भींग गए तो थोड़ा ज़्यादा ही ठंडा लग रहा है हमको, है ना। तो चलिए दोस्तों निकलते हैं घर की ओर, और देख सकते हैं यहाँ इतना मस्त मौसम लग रहा है ना कि क्या ही बताएं। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं धुरवा डैम, गए थे घूमने मॉर्निंग वॉक के लिए, मॉर्निंग वॉक करके आ गए, इसलिए गाड़ी से गए थे, काफी दूर है। सब दोस्त लोग बोल रहा था कि भाई मॉर्निंग वॉक इधर ही आओ, तो हम गाड़ी लेके ही गए थे। उसके बाद गाड़ी खड़ा करके हम लोग पूरा वहाँ जो डैम का ऊपर जो होता है ना सोनी, उसी में घूम रहे, हम लोग दौड़ भी रहे थे, थोड़ा एक्सरसाइज भी किए, और जब पानी आने लगा तो हम चलाए घर। और दोस्तों अभी आते के साथ में सोनी एक काम हमको फरमा दी, बोल रही कि गैस खत्म है, और बिना गैस का तो भाई खाना बनना नहीं है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं ना, चलते हैं, गैस नीचे बज भी रहा है, कहे की हम लोग का घर के पास ही गैस वाला आता है, कहे कि ऑटो वाला आता है ना, तो ढंग 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 बजाता है, तो पता चल जाता है कि गैस आ चुका है। और अभी चलते हैं हम नीचे और गैस लेके आते हैं। तो दोस्तों आज हम लोग का गैस भी खत्म हो गया है, तो अभी गैस भी ले लेते हैं क्या सोनी। देखिए अभी मौसम भी ठीक कर दिया, बड़ी भारी है दोस्तों, तो सोनी का मदद लेना पड़ा, और इसको धो भी दिए, काहे कि लाते कहाँ कहाँ से आया हुआ रहता है, इसलिए पूरा धो धा के ही बाथरूम से ला रहे हैं। चलो सोनी पकड़ो, काहे कि अकेले ताकत नहीं है, कमर खराब है भाई। सोनी इधर तगड़ा है इसलिए उठा लेती है। तो दोस्तों आपको एक चीज और बता दे रहे हैं कि जब हम गए थे ना मार्केट, मतलब मॉर्निंग वॉक, तो हम देखे रास्ता में देसी चिकन मिल रहा था, और बहुत दिन से देसी चिकन भी नहीं खाए थे क्या, तो हम लेके आए हैं, देखिए यहाँ, और सोनी को दे दिए हैं बनाने के लिए। ये रहा देसी चिकन, तो अभी बना नहीं है, अभी तो आज बनेगा, घर में बनेगा देसी चिकन। और बारिश आ रहा है तो हम लोग सोचे कि कुछ अच्छा खाया जाए, क्योंकि आप लोग पता है कि हम लोग तो भाई नॉन वेज खाते हैं, तो आज हम लोग घर में देसी चिकन और चावल बनेगा क्या। तो चलिए इसको अभी धोते हैं साफ से, इसके बाद सब्जी बनाते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग का चिकन बनने के लिए रेडी हो रहा है इधर, क्या सोनी। और इधर देखिए सोनी क्या क्या कर रही है। तो दोस्तों यहाँ देखिए चिकन बनाने के लिए हम सारा चिकन को भी धो लिए हैं, और इधर इतना सारा मसाला भी निकाल लिए हैं, प्याज भी काट लिए हैं। तो चलिए अभी चिकन बनाने शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जीरा फोरन डालेंगे, उसके बाद डालेंगे तेज पत्ता, उसके बाद डालेंगे एक लाल मिर्च। तो दोस्तों इधर देख सकते हैं प्याज वगैरह सब भून गया है, और हम इसमें देखिए चिकन भी डाल लिए हैं, चिकन डाले, इसमें हल्दी और नमक भी डाल लिए हैं, और इधर मेरा चावल भी बन के रेडी हो गया है, देखिए गर्मा गर्म चावल अभी बन के रेडी हो गया है। तो अभी चलिए अभी चिकन बनाते हैं, उसके बाद फिर आप लोगों को टेस्ट करके दिखाएंगे कि देसी चिकन कैसा लगता है खाने में। और इधर सुबह से ही बारिश बारिश का मौसम बनाया हुआ है, सुबह तो बारिश पड़ भी रहा था लेकिन अभी थोड़ा सा रुका हुआ है, लेकिन गर्मी बहुत ज्यादा है। तो चलिए पहले हम इसको भून लेते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं चिकन कितने अच्छे से भून गया है, देखिए पूरा लाल हो गया है, और
लाल होने से पता चल जाता है कि चिकन अच्छे से फ्राई हो गया है। तो अभी चलिए इसमें मसाला डाल देते हैं हम। तो यहाँ मसाला भी डाल लिए हैं हम और इसको अच्छे से मिला लेंगे। उसके बाद इसको भी हम कम से कम 10 मिनट तक अच्छे से मसाला को पका लेंगे, फिर हम लोग का चिकन बनके रेडी हो जाएगा। तो दोस्तों इधर चिकन हम बना रहे थे और परी भी आ गई है कि हम भी आज थोड़ा सा चिकन बना के देखेंगे तो धीरे धीरे हम सीखेंगे बोल के अभी जस्ट नहाई और अभी नहा के आई है, क्योंकि ये लोग का एग्जाम चल रहा है ना, तो ये लोग का एक दिन एग्जाम एक दिन छुट्टी ऐसे चल रहा है, इसीलिए अभी परी घर पे ही है और अभी नहा धो के आई और हमको देखी कि चिकन बना रहे हैं तो आ गई कि लाओ हम भी चला कर देखते हैं, तो हम दे दिए थोड़ा थोड़ा, अभी से ही सीखे रहेगी तो इसी को काम देगा। क्या परी और चिकन खाने में कैसा लगता है? पहले ये बिल्कुल भी नहीं खाती थी जब छोटी थी ना, तो बिल्कुल चिकन मटन ये नॉनवेज बिल्कुल छूती नहीं थी। और जब भी जैसे हम लोग ट्रीटमेंट के लिए इसको लेके जाते थे तो डॉक्टर हमेशा बोलते थे इसको मछली ज्यादा खिलाइए, थोड़ा नॉनवेज अंडा वगैरह खिलाइए, लेकिन ये बिल्कुल नहीं खाती है। बहुत से लोग ये भी बोलेंगे कि जरूरी नहीं है कि मतलब नॉनवेज खिलाना ही ठीक रहेगा तबीयत खराब, लेकिन डॉक्टर सलाह देते थे तो हम लोग इसको कोशिश करते थे खिलाने के लिए, लेकिन ये बिल्कुल नहीं खाती थी। अब धीरे धीरे सीख रही है खाने के लिए। क्या परी? तो अभी चलिए मसाला वगैरह हम लोग अच्छे से भून लेते हैं। तो फिलहाल अभी चिकन का मसाला जो है वो अच्छे से भून गया है, एकदम अच्छे से लाल हो गया है, आप लोग को दिखाते हैं अभी। तो यहाँ देख सकते हैं चिकन का जो मसाला है अच्छे से भून के लाल हो गया है, अब इसमें हम पानी डाल देंगे। तो दोस्तों किशन का पापा को आप सुबह ही देखें कि चिकन लाके हमको दिए, गैस वगैरह भराए और इधर हम चिकन बनाने लग गए और वो देखिए क्या कर रहे हैं, वो पूरा गहरा नींद में सो गए हैं। ऐसे तो बोलते हैं कि हम दिन में कभी सोते नहीं है, सबके सब यही बोलते हैं कि हम दिन में नींद नहीं आता है, आज देखिए पूरा गहरा नींद में सो रहे हैं। किशन और किशन का पापा दोनों आज अजूबा अजूबा काम कर रहा है, तो चलिए आप लोग को मिलाते हैं वो लोग से। क्या परी? और इधर देखिए परी खड़ी है, चल परी चल दिखाते हैं वो लोग को क्या क्या कर रहा है। दोस्तों इधर देख सकते हैं ये पूरा गहरा नींद में सो गए हैं, ये तो इधर सो गए हैं, अब चलो हम लोग किशन को दिखाते हैं किशन क्या कर रहा है, अजीबो गरीब काम कर रहा है। जो कि देखिए परी यहाँ पे पढ़ाई कर रही थी अपना एग्जाम का और किशन को हम पूरा घर में ढूंढ रहे थे पर हमको किशन मिल ही नहीं रहा था। तो दोस्तों आप लोग को दिखाते हैं किशन क्या कर रहा है। देखिए पलंग के नीचे मिट्ठू को रखा है, यह बिछाया है और यहाँ देखिए सोफा का कुशन को तकिए लिए और पूरा गहरा नींद में सो गया है, पूरा गहरा नींद में सो गया है ये लोग का। और हम घर में पूरा ढूंढ रहे हैं किशन को कि कहाँ चला गया, कहाँ चला गया, मिल ही नहीं रहा है, सब तरह आवाज दिए तो नहीं मिला, एक बार के लिए तो हम डर गए कि कहाँ चला गया, फिर दरवाजा खोले, दरवाजा के बाहर सबसे पहले तो हम चप्पल देखे तो चप्पल है, अब पूरा सोफा में देख रहे हैं, अंदर पलंग का नीचे देख रहे हैं, सारा में ढूंढे, फिर लास्ट में परी बोली कि देखो कहीं पलंग का नीचे नहीं होगा। और देखिए पता नहीं लड़का आज क्या सोचा है और नीचे पूरा गहरा नींद में सो गया है। सुबह भी स्कूल से आया फिर हम लोग उसका पापा ढूंढ रहे थे किशन कहाँ गया, तो भी पलंग का नीचे घुस गया था। दोनों बाप बेटा आज अजीब अजीब कारनामा कर रहा है। क्या परी? अभी हम और परी जगे हुए हैं, तो चलिए अभी चिकन अभी बनता है उसके बाद हम लोग खाना खाएंगे क्योंकि काफी टाइम भी हो गया है ना। परी परी तुमको भूख लगा है? हाँ। और देखिए ये नहा का ही है, ठंडा लग रहा है बोल के ऐसे कंबल ओढ़ के उसके बाद में फिर पढ़ाई कर रही है ना परी। तो चलिए एग्जाम है तो पढ़ना भी जरूरी है, ये लोग को पढ़ने देते हैं। तो दोस्तों हम लोग का चिकन बन के रेडी हो चुका है, यहाँ देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है चिकन देखने में। तो चलिए अभी इधर चावल भी हम निकाल लिए हैं और उधर देख सकते हैं परी तो खाने भी स्टार्ट कर चुकी थी क्योंकि परी से वेट नहीं हुआ। तो चलिए अभी हम लोग चिकन निकालते हैं सबके लिए। दोस्तों इधर देख सकते हैं ये खाने भी स्टार्ट कर लिए हैं, अब तो यही बता सकते हैं कि चिकन कैसा बना है, हम तो अभी टेस्ट नहीं किए हैं। एकदम देसी जो चिकन रहता है टेस्ट लगता ही है। हाँ तो चलिए हम लोग भी टेस्ट लग रहा है, तो चलिए हम लोग भी खाना खा लेते हैं उसके बाद फिर आप लोग से मिलते हैं। तो यहाँ किशन भी देखिए पलंग नीचे से निकल चुका है, क्यों घुसा था किशन? सो गया था। तो चलिए इसको भी हम अभी खाना दे देते हैं। तो दोस्तों खाना वगैरह खाने के बाद हम लोग सब सो गए थे क्योंकि काफी थके हुए थे और अभी हम तो उठ गए हैं, किशन भी उठ गया है और कैसे भी तो किशन को आप लोग देखे थे आधा नींद तो वो पलंग का नीचे ही सो गया था, उसके बाद फिर से ये सो गया था।
तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।